लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीबी न्यूज में। आए दिन बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश करते कई लोगों को पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी इस समस्या से अभी तक कोई निजात नहीं मिली है। ऐसे में अभी एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई है जिसके चलते घुसपैठ लगभग ना के बराबर हो जाएगी। बॉर्डर सुरक्षा के लिए बनाई गई नई AI डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। बॉर्डर चेक पॉइंट पर लोगों को तेजी से जांच करने के लिए AI डिटेक्शन टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया है। iBorderCtrl नाम के इस प्रोग्राम को 6 महीने के लिए ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है। इस दौरान हंगरी, लतविया और ग्रीस के बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट पर नई टेक्नोलॉजी को लगाया गया है, जो लोगों की जांच करने में काफी मदद भी कर रही है। नए तैयार किए गए इस सिस्टम में यूजर को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना होगा, जिसमें पासपोर्ट आदि कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। चेकिंग के दौरान वर्चुअल गार्ड आपसे सवाल पूछेंगे कि सूटकेस में क्या है, सूटकेस ओपन करके दिखाइए। इस दौरान वेबकैम के जरिए AI डिटेक्शन टेक्नोलॉजी चेहरे के हाव भाव को डिटेक्ट करते हुए पता लगाएगी कि आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं। सच लगने पर QR कोड जनरेट होगा जो आगे जाने की अनुमति देगा। वहीं झूठ लगने पर यात्री को बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग व फेस मैचिंग करनी होगी। आपको बता दें कि यह तकनीक केवल सच और झूठ का पता लगाने में मदद करेगी, लेकिन इंसान को रोकने के लिए ह्यूमन एजेंट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी की इंडिया में भी काफी जरूरत है। हमारे यहाँ भी बॉर्डर पर आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होते रहती हैं। आपको ये न्यूज कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे न्यूज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।